न्यूज में। और अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आप इस लुक में इंटरेस्टेड है तो प्लीज देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले मैंने बाल बांधकर ये निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई किया अपने फेस पे, ताकि मेरे मुंह पर कोई भी ड्राइनेस ना रहे। नेक्स्ट मैंने इन कलर का ये सिलिकॉन बेस प्राइमर अप्लाई किया है। काफ़ी अच्छा प्राइमर है बजट में, और बहुत ही अच्छे से पोर्स को कवर अप करता है। नेक्स्ट मैंने अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए कलर कलेक्टिंग टेक्निक यूज़ किया है। इसके लिए मैंने एल ए प्रो का ये क्रीमी बेज शेड और ऑरेंज कंसीलर दोनों को एक एक ड्रॉप मिक्स करके अपने डार्क सर्कल्स पे और फेस पे, अगर कोई और डिस्कलरेशन भी है तो मैंने वहाँ पे भी इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हम एक सॉफ्ट ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने मैक का ये प्रो लॉन्ग वेयर फाउंडेशन द शेड NC35 पूरे अपने फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक मॉइस्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, या फिर कोई भी स्पंज ले सकते हैं आप। इस तरीके से पूरे फेस पे डैप डैप करके आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये काफ़ी अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसका एक ही लेयर जो है काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। आप देख रहे हैं कि ऑरेंज जो भी शेड नीचे से दिख रहा था वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नेक और ईयर्स पे भी अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी मैं फाउंडेशन को। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मेबेलिन फिट मी का कंसीलर अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे, उनको हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए, जैसे आईज के नीचे, नोज ब्रिज पर, लिप्स के ऊपर, फोरहेड पर, चिन पर, और जहाँ कंटूर करते हैं उसके नीचे थोड़ा सा। आईज़ के ऊपर भी इसी को ही अप्लाई कर लूँगी। अब अच्छे से उसी ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ध्यान रहे कि ब्यूटी ब्लेंडर को डैप डैप मोशन में ही यूज़ करना है, उसको नीचे या ऊपर की तरफ आप ड्रैग नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो कंसीलर है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और लाइन्स दिखाई देंगी आपको। पूरा अच्छे से मैं टाइम लेकर इस कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ये लूज़ पाउडर लूँगी लॉरियल का, ट्रू मैच का, और अच्छे से जहाँ भी मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया है उसको सेट कर लूँगी। ऐसा करने से जो भी आपका कंसीलर है वो बहुत जल्दी क्रीज नहीं हो जाएगा और लाइंस नहीं आएंगी। अब आईब्रोज़ के लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट लूँगी और इससे अच्छे से अपनी आईब्रोज़ डिफ़ाइन कर लूँगी। आईब्रो अच्छे से डिफाइन हो तो मेकअप लुक बहुत ही उभर के आता है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों आईब्रोज में। नेक्स्ट हम आई शेडो शुरू करेंगे, और ये आई लुक्स पैलेट है एले गर्ल का, इससे शुरू करूँगी मैं। ये बिस्किट कलर है, फॉन कलर, इसको अपने ट्रांजिशन शेड की तरह मैं अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसी पैलेट में से डार्क पर्पल कलर लूँगी मैं, और आउटर वी और इनर वी दोनों पे अच्छे से ब्लेंड करके लगा लूँगी। ये एले गर्ल का कंसीलर लूँगी और इस टाइप के ब्रश से अपने आईलेट पे थोड़ा सा एरिया जो है क्लीन करके इस तरीके से बना लूँगी, ताकि जो मुझे हाइलाइटिंग शेड लगाना है अपने आईलेट के ऊपर वो ज़्यादा उभर के आए। साथ में आप इसको ब्लेंड भी करते रहिए ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। अब इस कलर से जो है लाइट कलर से मैं उस एरिया को सेट कर लूँगी। अब ये लॉरियल का क्रोम आई शेडो है गोल्ड कलर में, इसको मैं अपने हाइलाइटिंग एरिया पे अप्लाई कर लूँगी और फिर से सारी लाइंस को ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट ये रेवोल्यूशन का गोल्डन शुगर 2 पैलेट में से मैं अप्लाई करूँगी अपने इनर कॉर्नर के लिए ये कलर। इनर कॉर्नर हाईलाइट करने से आईज़ जो हैं थोड़ी ज़्यादा ओपन अप बड़ी लगती हैं। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए मैंने क्लैमी का जेल आईलाइनर यूज़ किया है ब्लैक कलर में। अब यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई कर लिया है दोनों आईज़ पे।
अब लोअर वाटर लाइन को भी स्मच कर लूंगी सेम डार्क आई शेडो से जो ऊपर लगाया था। नेक्स्ट ब्रॉन्जिंग के लिए मैं लॉरियल का ग्लैम ब्रॉन्ज यूज कर रही हूँ, और जहाँ भी मुझे अपने फेस को स्कल्प्ट करना है वहाँ वहाँ पे मैं इसको लगा लूँगी। अब ब्लशर के लिए मैंने मैक का फ्रैंकली स्कारलेट कलर यूज़ किया है, बहुत ही प्रिटी पिंक कलर है और इवनिंग मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ब्लश जो है बहुत ही पिगमेंटेड है तो बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट मैं पैक की आई लशेज ये M75 अप्लाई कर लूँगी, और ये वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक है इन द शेड रेट्रो रोज, बहुत ही अच्छा जाएगा आई मेकअप के साथ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर सेम रेवोल्यूशन पैलेट से, फेस के सारे हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी, चीक्स के ऊपर, नोज ब्रिज पर, लिप्स के ऊपर, जहाँ भी आप अच्छा सा ग्लो चाहते हैं। ब्राउ बोन भी इसी से हाईलाइट कर लूँगी मैं। और अब फिक्स करने के लिए मेकअप ये निक्स का ड्यूई सेटिंग स्प्रे है, इसको लगा लूँगी और बस हमारा जो मेकअप है वो रेडी है। ये मेकअप लुक बहुत ही न्यूट्रल मेकअप लुक है, आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी ऑफ कर सकते हैं वेडिंग फंक्शंस के लिए, या अपनी कज़न या अपनी फ्रेंड के फंक्शंस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज के वीडियो में, ये मेरा लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।